ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 3 अप्रैल 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:33 हो रहे हैं। फ्राइडे हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। अभी कुछ देर बाद यानी 9 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखते हैं लॉकडाउन के बारे में क्या कहते हैं, आने वाली स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो जैसे कि कोरोना के मामले पूरे दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी अभी तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ना फैले इसका असर मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो 53,000 के ऊपर यहाँ पर डेथ हो चुके हैं, तो काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। यूएस में भी काफ़ी तेजी से फैल रहा है, तो मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है? अगर ये लॉकडाउन पूरे दुनिया भर में और आगे बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो पूरी तरह से इसका बिजनेस के ऊपर भी और असर देखने को मिलेगा। और एक खबर आई थी कल, इंडिया निवेश करके एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, उसने अपने ट्रांजैक्शंस अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए हैं। काफ़ी दिनों पहले मैं यानी 6-7 दिनों पहले एक एसोसिएशन है स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेस का, करीब करीब 900 ब्रोकरेजेस है उस एसोसिएशन में, उन्होंने एक लेटर भेजा था सेबी को कि जो कि सेटलमेंट का काम होता है, दिन खत्म होने के बाद जो सेटलमेंट का काम होता है वो काफ़ी पेंडिंग है। तो इसके मद्देनज़र मार्केट को भी हालांकि हो सके तो 2 दिनों के लिए बने रखा जा सकता है। तो उन्होंने एक लेटर भेजा था सेबी के लिए, तो आने वाले दिन में अगर ये और एक्सटेंड होता है जो कि लॉकडाउन पीरियड है, तो हो सकता है मार्केट भी कुछ दिनों के लिए बंद हो सकता है। लेकिन अभी तक तो कुछ सेबी के ऊपर सेबी ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, तो देखना यह होगा आगे जैसे सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी वैसे वैसे हमें यहाँ पर और भी सेबी और यहाँ पर डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले जो वेनसडे का एनालिसिस था हमारा, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये एक पिक्चर है वेनसडे का, यानी 1 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ था। अगर वीडियो देखना है आपको वेनसडे का, तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसा हमारा प्लान था, ब्रेकडाउन लेवल 8406 बन रहा था और ब्रेकआउट लेवल 8733 बन रहा था। जैसे इस ओपन हुआ इस दो लेवल के बीच में, ये टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ, और जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन ब्रेक हुआ, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 8349 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 8280 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर तक ये इस लेवल के पास पेनेट्रेट हो रहा था, इसके यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। हालांकि जैसे ये यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए थे निगेटिव में, तो यहाँ पर और भी ये तेजी से और नीचे की तरफ आए। तो वेनसडे को एज पर प्लान ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 48,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये तो वेनसडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में एक पॉजिटिव नोट के साथ कारोबार देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हरे निशान में कल बंद हुए, हालांकि काफ़ी मामूली बढ़त थी। आज एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी अभी हल्की सी गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है। चाइना मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, हांगकांग मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 54 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी ऑलमोस्ट 166 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि एक जबरदस्त बाउंस बैक की अभी तक यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली चार्ट, यहाँ पर जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया था, तो लास्ट वीक भी इसी लेवल के पास यानी 23.6 लेवल के पास ही ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ था, और इसके बाद ये वीक भी इसने हाई एग्जैक्ट इसी लेवल के पास अपना हाई लगाया, हालांकि इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा है अभी तक। तो आज लास्ट डे है, देखते हैं निफ्टी कहाँ पर क्लोज होता है।
अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स। आरएसआई भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन, ये देखिए आप 2008 में जहाँ पर ये था तभी आरएसआई कहाँ पर था, और अभी ये 2020 अभी भी आरएसआई यहाँ पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में। तो यहाँ से जब रिकवर होगा तो यहाँ से ये अपसाइड मूव हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई चला गया है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट पर चलते हैं। यह डेली चार्ट लास्ट 3 दिन से देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, एक रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो हमने यहाँ पर देखा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बन रहा था। ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और ये हो सकता है राइट शोल्डर। लेकिन इसका जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, इसके ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो ये कंप्लीट पैटर्न ब्रेकआउट के साथ हमें दिख सकता है, फिर यहाँ से अपसाइड मूव आएगी। फिलहाल ये नेक लाइन के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी यहाँ पर वेनसडे को क्या हुआ था, नेक लाइन के पास ही इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा बन चुका है। लेकिन अभी तक इसने नेक लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर ये ब्रेकडाउन देगा यहाँ से, इसके नीचे नेक लाइन के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ से और भी नीचे की तरफ हमें निफ्टी इंडेक्स फिर से जाते हुए दिखाई दे सकता है, जहाँ पर इसने कुछ दिनों पहले यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर अराउंड 7500 के पास, तो हो सकता है यहाँ तक आए अगर ये नेक लाइन को ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें दिखाता है तो। अदरवाइज काफ़ी टाइम देखा गया कि जो नेक लाइन बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, उसको काफ़ी देर पेनेट्रेट करता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है। तो अगर इस नेक लाइन को अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में, तो यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो पैटर्न बन रहा है अभी डबल टॉप का, इसका ब्रेकडाउन मिलता है नेकलाइन का तो ये और निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज है, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो अब तक का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा वेनसडे को यहाँ पर सेकेंड टारगेट बन रहा था, काफ़ी देर तक उस लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था, यानी 8278 के पास। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का। ये जो लेवल है 8345, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8381, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करता है तो ये जो वेनसडे का लो था इसे ब्रेक करने दीजिए, यानी ऑलमोस्ट 8195 के नीचे चला जाता है निफ्टी, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8133, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8026, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।